के सगही बहेली गांव के रहने वाले 60 साल के शख्स चोरपाल को गांव वालों ने गांधी नाम दिया। बता दें कि चोरपाल ने सरकारी नौकरी छोड़कर 10 साल तक आंगन में बच्चों को निस्वार्थ भाव से पढ़ाया। उन्होंने अपने कार्यों से सबका दिल जीता, जिस वजह से उन्हें इस नाम से सम्मानित किया गया है। सबसे अच्छा शिक्षा देते हैं, बाल बच्चा को ठीक से पढ़ाते हैं और देख रेख भी ठीक है। अच्छा, तो सम्मान देते हैं आप गांव वाले? बहुत सम्मान देते हैं। तो इस स्कूल से अच्छा पढ़ाते हैं? स्कूल में नहीं मिल सकते? स्कूल में क्या है सर, बोलूँ तो बच्चे लोग बहुत रहते हैं, उसमें पढ़े नहीं होता है, और वहाँ बोलने से पढ़े उड़े भी थोड़ा ठीक होता है। तो इनके सिखाए सीख रहे हैं कुछ? जी। क्या नाम लिखते हैं आप? भोलानाथ डोंगरे। भोलेनाथ? भोलानाथ डोंगरे। मैं अभी बच्चे को पढ़ाना, मेरा 8-10 साल हो रहा है, और शिक्षा वही देता हूँ कि मैं हमारे गांव में सबसे पढ़े लिखे सियान कहने से मैं ही हूँ, और अभी बच्चे लोग को स्कूल में तो उतना पढ़े नहीं हो रहा है, इसलिए गांव के बच्चे थोड़ा शिक्षित हैं, जाने समझे करके 3-3 घंटा सुबह 2 घंटा और शाम को 1 घंटा पढ़ाता हूँ। अच्छा, कितना बच्चे पढ़ते हैं? वो 25-30 बच्चे हैं, कोई समय दोपहर को ज़्यादा हो जाते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी आ जाते हैं, हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे भी आ जाते हैं, तो 25-30 हो जाते हैं।